Minister Amit Shah has tweeted on the rain, fury and landslides in Himachal Pradesh. Shah has tweeted, and I quote, "The loss of lives due to heavy rains and landslides at various places in Himachal Pradesh is extremely distressing. NDRF teams are engaged in relief and rescue operations along with the local administration. I express my deepest condolences to the bereaved families. May God give them the strength to bear this sorrow. I wish for the speedy recovery of the injured." So that tweet coming in from Home Minister Amit Shah, given the rain fury in Himachal Pradesh. I'm joined by my colleague Arunima on the broadcast. Arunima, when it comes to the relief, rescue and even the recovery operations on the ground in the wake of the rain fury in these hill states, what's the latest coming in from the Home Ministry? NDRF has been pressed into service. It's a very unfortunate situation, and wherever the state government and the local administration is seeking the help of NDRF, those teams are being made available. Because this is the second experience in the last month or so that Himachal Pradesh is facing the wrath of nature. I think they have a protocol in place as to how to go about galvanizing the resources. That is some consolation for the people there. And that's what Home Minister is also saying, that, wherever required, NDRF is being made available. The police officers there are in touch with the Home Ministry officials. The local administration is constantly in touch with the Home Ministry officials. The control room has been set up. So wherever information is coming in, they are doing their best for rescue and relief, but the situation is grave. Right. Thank you, Arunima, for getting us the latest from the Home Ministry. Now let's get you the reports coming in from Ground Zero. जी हाँ, देखिए अभी हम मौके पर हैं। राजधानी शिमला के साथ जो समरिल लगता हुआ इलाका है उसके पास ये शिव बॉडी इलाका है। एक शिव मंदिर देखिए भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक ये जानकारी निकल कर आई कि 7:30 बजे के बीच जो है ये लैंडस्लाइड हुआ। उस वक्त मंदिर में लोग पहुंचे थे, पूजा करने लोग पहुंचे थे और कुछ स्थानीय लोग यहां पर मौजूद थे और कुछ वर्कर भी थे। तो उस वक्त ये भीषण जो है लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है और ये तस्वीरें देखिए। ये अभी जानकारी दे दें कि अभी 3 जो बॉडीज हैं वो यहां से रिकवर कर ली गई हैं। उसमें दुखद खबर ये है कि 2 उसमें बच्चे भी शामिल थे। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 से 30 लोग जो है यहां पर हो सकते हैं। ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कम से कम 25 से 30 लोग यहां पर हो सकते हैं दबे हुए। एक और यहां से राहत भरी खबर देखिए ये निकल कर आ रही है गृह कि ये बताया कुछ लोगों ने कि जहां पर आपको ये लोग नजर आ रहे हैं इसके ठीक नीचे अगर कैमरे की नजर से देख रहा हो कि यहां पर एक घर जैसा आपको नजर, कमरा जैसा नजर आ रहा होगा, ये मंदिर का पार्ट है और इससे अंदर से किसी को फोन आया है कि शायद कुछ लोग जो है अभी जिनके जिंदा होने की संभावना है, हालांकि उनका फोन बंद हो चुका है। ये बताया जा रहा है, शायद 6 से 7 लोग बताया जा रहे हैं कि वो अभी अंदर हैं और सुरक्षित ऐसा माना जा रहा है। तो कोशिश जो है यही है कि किसी तरह से उन्हें यहां पर जो है सुरक्षित निकाला जाए। 4 कच्चे मकान यहां पर थे जो लैंडस्लाइड की चपेट में आए और नीचे दब गए। इसके अलावा 4 से 5 और मकान यहां पर हैं, वो पक्के मकान हैं लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है, खतरा उनको बना हुआ है। घरों के अंदर जो लोग थे 4 लोग, वो मलबे के नीचे दब गए हैं अभी क्योंकि मलबा निकाला जा रहा है। पेड़, बड़े बड़े पेड़ लैंडस्लाइड के कारण आए हैं जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। पहले पेड़ों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मलबा हटाया जा सकेगा। पेड़ क्योंकि ऊपर से गिरे हैं, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अब तो इसीलिए दिक्कत आ रही है और यही कारण हुआ। जब रेस्क्यू करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए थे तो सेकंड लैंडस्लाइड आया और उसके नीचे लोग दब गए, अब उसके कारण फिर ज्यादा नुकसान हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस है। अब लगभग 1 घंटे से यहां पर कंटिन्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लैश चला हुआ है लेकिन अब जिस प्रकार बार बार लैंडस्लाइड आ रहा है। और अभी तक क्या जानकारी निकल कर आई है कि कितने और लोग हो सकते हैं और कितनी बॉडी अभी रिकवर की जा चुकी है? 5 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, 20-22 के करीब लोगों के दबे होने की खबर है। प्रयास यह है, आर्मी को बुलाया गया है, ITBP को बुलाया गया है, NDRF की टीम को बुलाया गया है। प्रयास यह है कि कुछ जानों को बचाया जा सके, इस दृष्टिकोण से ये प्रयास जारी है। यही आशा है कि वो जिंदा हों और उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मेरा ये मानना है कि
जो जिंदा बचाया जा सके, सभी टीम को यहाँ लगाया गया, पुलिस, मिलिट्री, आईटीबीपी, होमगार्ड, एसडीआरएफ, सब टीम को यहाँ लगाया गया। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं और बार बार प्रयास करते हैं, और पिछले 24 घंटों से जो बारिश ने कहर बरपाया है, उस बारिश से पिछली बार संपदा को नुकसान हुआ था, इस बार लगता है कि काफी जाने हमको, काफी जिंदगी हमको छोड़कर चली गई है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि 10 से 15 लोग जो है इसमें अभी भी दबे हुए हैं। कुछ लोगों के जो शव है वो निकाल दिए गए हैं, और सब यहाँ पे जो हमारी टीम है वो लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी यहाँ पे जो जेसीबी मशीन यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है, मगर फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे तरीके से मजबूती से लगे हुए हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो इसमें अंदर बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जो है वो निकाला जाए, उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है।